ओवैसी की पार्टी के हैं, ओवैसी भारत के अंदर संसद में भी वो उसमें नहीं रहते, जिनके नेता राष्ट्र का अपमान करते उनके पार्टी के एमएलए से और क्या उम्मीद की जाएगी। और ओवैसी तो जिन्ना के सपनों को लेकर के भारत में भ्रम फैला करके विभेद फैला रहे हैं, लेकिन 1947 दोबारा नहीं आने वाला है भारत। उन्होंने कहा है कि थोपा जा रहा है, जबरदस्ती राष्ट्रगीत गवाया जा रहा है हम लोगों से, जो होने नहीं देंगे भारत। भारत में लोगों ने कहा था राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर भी बना और भारत का राष्ट्रगीत हमारे आत्मा में बसा रहा है। आधार कार्ड खराब बात नहीं है, तो आपको इसमें आपत्ति किस बात? आपत्ति इस बात की है कि ये पहले ये बताइए कि ये जरूरी क्यों है। आपत्ति इस बात से है कि कंपल्सन है, आप ये कह रहे हैं कि जरूरी कब है? तो आप आए पहले, आप ये पहले बात बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको लागू किया? क्या है, सुनिए सर, सुनिए, संविधानिक कंपल्सन है क्या? जब संविधानिक कंपल्सन नहीं है तो अपने अपने रीति रिवाज है, ये देश सबका है, सबके आस्था पर। नहीं, विरोध क्या जता रहा है? आपने मेरे मन की बात पूछी, मैंने अपने मन की बात पूछा, विरोध क्या कर पाएंगे हम? हम तो बहुत अल्प हैं, बहुत हल्के हैं, बहुत कमजोर हैं, हमारी बात कौन सुनता है? नकार खाने में तोते की आवाज है। अगर विरोध नहीं तो ये मशवरा जरूर दूंगा कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं पार्लियामेंट असेंबली में, अपने बुजुर्गों की परंपराओं को बचाए रखना चाहिए। अच्छा, आपकी बात अगर नहीं सुनता तो हम लोग क्यों बात आपको करते? बात सुनी जाती है लेकिन बात पर अमल किया जाए तब ना बात कही जाएगी। बात तो आप कह रहे हैं, तो बात कर रहे हैं, मैंने जो कुछ कह दिया किसको खत्म कर देना चाहिए? अरे भाई, वो सवाल ये पैदा होता है, मैंने अपनी जो बात रखी है वो बात रखी है। अगर सवाल ये पैदा होता है, नहीं मैं ये कह रहा, जिसने अपना बलिदान देकर देश को आजाद किया, जेलों में रहकर अंग्रेजों के डंडे खाकर देश को आजाद किया, वो उसको देश प्रेम नहीं था? वो राष्ट्रगान नहीं जानते थे क्या? राष्ट्रगान कोई आज की लिखी हुई चीज है? तो मैं कह रहा हूँ जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों की है उन परंपराओं को स्थापित करना चाहिए। लेकिन जब बताइए, जब देश की बात होती है तो इसमें गाने में क्या हर्ज है? अच्छा, आपके अंदर मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये बात बताइए, अच्छा ये बात बताइए कि गाना जरूरी क्यों है? ये बता दीजिए तो मैं करूंगा। नहीं, ये क्या है मामला? हर एक आदमी का अलग अलग पसंद है, एक दस्तरखान में कोई अलग अलग चीजें खाता है। आप कहिएगा कि सारे लोग इसी कोट और पैंट में क्यों नहीं आए? सारे लोग क्यों नहीं आए आपके? सारे लोग इसी अंदाज में आना चाहिए था। हर का शौक अलग अलग है। नहीं, लेकिन एक तो देश के लिए राष्ट्रगीत, देश के लिए मैं कहता हूँ मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन पर 100 बार कुर्बानी है, तो मैं कहता हूँ क्यों जरूरी है वो? आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बिना वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं। एमआईएम के नेता ही को बात मत कहिए, आप जाकर के पहले सारे सदन के 243 लोगों से पहले पूछ लीजिए, उसके बाद हमको बताइए। तो मतलब ये गीत नहीं गाना, वंदे मातरम गाने में आपत्ति है? कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं। वंदे मातरम कहने में आपत्ति क्या कहेंगे? आपकी आस्था के मुताबिक बिल्कुल आपत्ति क्या है? मुझे, मैं मादरे वतन कहता हूँ, आपत्ति क्या है? गाड़ी आ गई। मैं मादरे वतन कहता हूँ, आपत्ति क्या है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक।